तो भाई आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं क्या कैसे यूके 07 के ऊपर नेगेटिव पीआर चलवाया जा रहा है। तो भाई आपने देखा होगा कि कैसे यूके 07 के ऊपर जोकर वाले मीम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं एंड कैसे यूके 07 को ट्रोल किया जा रहा और है। क्या भाई एलविश यादव के साथ हुई एक बहुत ज्यादा हॉन्टेड चीज, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई सबसे पहले तो अभी हम लोग बात कर ले एलविश यादव के बारे में। तो भाई एलविश यादव ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में हमको बताया कि कैसे उनके साथ एक बहुत ज्यादा हॉन्टेड चीज हुई। एलविश यादव कोई भी मजाक वगैरह नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल सीरियस थे। तो भाई उनके लेटेस्ट ब्लॉग का आप छोटा सा पार्ट देखिए। बता रहा हूँ मम्मी कसम भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, ना कोई कहानी बना रहा मैं, कुछ नहीं है। इस गाड़ी में ना एक्टिव ब्रेक असिस्ट है, उसमें ये होता है कि गाड़ी के आगे अगर कुछ आ जाता है तो गाड़ी अपने आप रुक जाती है, ब्रेक मार लेती है, ये सिस्टम है इसमें। चलो बहुत अच्छी बात है, होगा खुश हूँ मैं, सेफ्टी फीचर है, ठीक है। भाई मैं ना एक गली से निकल रहा था, अभी एक जगह से गली में से निकला मैं, भाई कुछ नहीं था भाई इसमें, ना कुछ भी नहीं था भाई, गाड़ी ने ब्रेक मार लिए ऑटोमेटिक, मैं दंग रह गया। मगा ओ हाउ इज दिस पॉसिबल, माँ की कसम भाई, पता नहीं क्या था, जो भी था अलग था। पर तो भाई अभी हम लोग बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है यूके 07 के बारे में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भाई यूके 07 के ऊपर मीम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं और गाइस उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो भाई इसी चीज पर लव कटारिया बोले कि गाइस यूके 07 के ऊपर कोई नेगेटिव पीआर चला रहा है गाइस, जिसमें कि पैसे वगैरह देके किसी को डिफेम कराया जाता है, उसको हेट दिया जाता है। तो भाई इसी चीज पर लव कटारिया अपने ब्लॉग में बात करे, वो क्या बोले, उनके ब्लॉग का आप छोटा सा पार्ट देखिए। मैटर अनुराग भाई के खिलाफ जो भी सिस्टम चलाया जा रहा है, नेगेटिव पीआर चलाया, साफ साफ बात है नेगेटिव पीआर है भाई, ऑब्वियसली भाई ऑब्वियसली। तो उस बंदे को सुनो, वो बंदा अपनी तरफ से भाई बेस्ट कर रहा, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच भाई चलती रहती है, हर बंदा अपने भाई, मैंने भाई इतनी हेट तो, हाँ मैं बता रहा हूँ इतनी हेट, मैं बताऊँ क्या भाई, एक होती है मजाक करना और एक होता है हेट देना, और इतनी हेट में ऑर्गेनिक पैदा नहीं होती कभी मेरे ख्याल, मेरे को भी हाँ बिल्कुल सही लगता है भाई, सही लगता है। जिस हिसाब से अपने यूके भाई ने काम कर रखे है, गरीबों की हेल्प कर रखी है भाई, और इतना अच्छा बंदा है भाई, अपना कंटेंट बनाता है, सब सही है भाई, क्यों उस पर इतनी हिट डालनी। नंबर दो, एक चीज मेरे को एड्रेस करनी थी कि एक होती है, आज इधर आ जाओ ना, कहाँ खड़े हो, एक होता है कि हेट देना, एक होता है कि पेड हेट देना, समझ रहे हो, मतलब कि इमेज को डाउन डिस्ट्रॉय करना, तो इमेज डिस्ट्रॉय करी जा रही है। और भाई हमारा भाई है, हमने पता है क्लोजली पता हमें कि कैसा है कैसा नहीं है, जोकर वोकर वाला मैटर चलता, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता भाई कोई किसी का कैसे मजाक उड़ा रहा, पर जब चीजें पर्सनल हो जाती। तो भाई अभी हम लोग यूके 07 के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो इसमें आपको बता दूं, तो भाई यूके 07 के भाई जोकर वाला मास्क लगाकर बहुत अच्छा काम कर रहे थे लोगों के लिए। तो भाई उनकी वीडियो का आप छोटा सा पार्ट देखिए। जैसा कि आपने देखा भाई यूके 07 के सिस्टर एंड ब्रदर एंड उनकी पूरी टीम ने कितना अच्छा काम किया भाई लोगों के लिए। और भाई कई लोग इस चीज पर भी हेट फैलाएंगे भाई यूके 07 के लिए, उनको जोकर वगैरह बोलेंगे, बाकी आप समझदार हो समझ सकते हो। तो हाँ भाई आज की वीडियो में कुछ अपडेट था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर की अपडेट्स मिलती रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।